के चुनाव में अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो जो सत्ताधारी दल है उसे हटाना एक तरह से बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल तमाम लोग कहे जा रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। और अगर बैलेट से होता है तो उसका सत्ता में वापस आना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। पहले भी दो तीन बातें बहुत स्पष्ट है। पहली बात, एक भी व्यक्ति को जनतंत्र में अगर ये नहीं लगता है कि उनका वोट सही जा रहा है तो वो चुनौती दे सकता है। चुनाव आयोग का दायित्व है कि प्रत्येक वोटर को यह विश्वास दिलाए कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर होगा। ये विश्वास दिलाने में चुनाव आयोग सक्षम नहीं है। दूसरी बात कि आप देखेंगे कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है और जैसे ईवीएम से वोट डालने पर विवाद होता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों द्वारा पूछा जाता है कि साबित करें, और वो भी बिना छुए ईवीएम गलत है। मैं चुनाव आयोग को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ